नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान चिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना व्याकरण का टॉपिक चल रहा था, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों शत्रु चल रहा था व्याकरण के टॉपिक के अंदर, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों मति शब्द। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मति शब्द। अब मति कौन था? त के अंदर किसकी मात्रा है दोस्तों? ई की है, तो मति कौन गया? इकारान स्त्रीलिंग। मति कौन गया? इकारान स्त्रीलिंग शब्द हो गया दोस्तों। मति कौन गया? इकारान स्त्रीलिंग। और दोस्तों मति का शब्द मतलब क्या होता है? मति का मतलब होता है बुद्धि। मति का मतलब कहता है बुद्धि, है ना। तो दोस्तों प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है? मति ही। क्या बनता है दोस्तों? मति ही। वही हरी की तरह, चाहे लिंग चाहे कोई भी हो, लगभग लगभग दोस्तों सारे रूप एक समान चलते हैं ना, लगभग। तो मति ही मति, है ना। मति ही मति, मतायः मतायः, है ना। उसमें हरी हरी हरे बना, इसमें मति मति मतायः बन गया, है ना दोस्तों। फिर क्या कह रहे दोस्तों? फिर उसमें अपन द्वितीय विभक्ति आई, तो द्वितीय विभक्ति में मैंने आपको ये कहा था, क्या कहा था कि द्वितीय में क्या लगता है? म लगता ही लगता, है ना। द्वितीय में क्या लगता है? म। तो यहां क्या बनेगा? मती। क्या बनेगा? मती। दोनों सेम अंतर है प्रथम द्वितीय का, मती, और यहां मात्रा बड़ी हो जाती है मतीन। सॉरी, मति मति मतयः मति 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 ही, है ना। यहां विसर्ग आ जाएगा क्योंकि पुल्लिंग में ही न लगता है, स्त्रीलिंग में न नहीं लगता। तृतीय क्या बन जाएगा दोस्तों? मतया, है ना, मत्या। क्या बनेगा? मत्या लतया, है ना, मत्या मति भ्याम, मति भ्याम मति भी ही, मति भी ही, है ना दोस्तों। मत्या मति भ्याम मति भी ही। अब चतुर्थ दिन क्या बन जाएगा दोस्तों? राम का हरि का क्या बनेगा? हर ये, इसलिए बन जाएगा मत्ता ये, लेकिन इसलिए क्या बनेगा? मत्यई। लता का क्या बना था? लता यही, तो मत्यई। क्या बनेगा? मत्यई। सेम बन जाएगा इसके समान ही, मति भ्याम मति भ्याम, और यहां क्या बन जाएगा दोस्तों? मति व्यह, मति व्यह, मत्यई मति भ्याम मति व्यह। पंचमी षष्ठी दोनों सेम बनती है दोस्तों, है ना। तो लता में क्या बना था? लताया। तो यहां क्या बनेगा? मत्याह। क्या बनेगा दोस्तों? मत्याह। सेम बन जाएगा मति भ्याम, है ना, और ये भी समान बन जाएगा मति व्यह, मति व्यह, है ना दोस्तों। फिर षष्ठी में यह एक समान बन जाएगा, क्या बनेगा? मत्या, है ना। पंचमी षष्ठी सेम बनती है मत्या का, मत्या। यहां बनेगा दोस्तों मत्यो हो। क्या बनेगा? मत्यो हो। क्या बनेगा? मत्यो हो। और यहां बन जाएगा षष्ठी के बहुवचन में दोस्तों मति ना। क्यों? क्योंकि ना तो रह रही है क्या रह रही? नहीं है, इसलिए न का न रह जाएगा। सप्तमी क्या बनेगा दोस्तों? मत्या। क्या बनेगा? म मत्याम। क्या बनेगा दोस्तों? मत्याम। क्या बन जाएगा? मत्याम। ये कोई यह बन जाएगा नदी का नत्याम, मती का मत्याम। फिर यहां पे मत्यो हो, है ना, मतीशु। क्या बनेगा? मतीशु, है ना दोस्तों। अब संबोधन में क्या बनेगा? संबोधन में बन जाएगा दोस्तों हे मते, हे मते समान, हे मति और हे मतयः, हे मतयः। समझा गई दोस्तों? तो एक बार रीडिंग कर लो, मति ही मति मतयः, मति ही मति मतयः, मतिम
मति मति ही, क्योंकि स्त्रीलिंग में न नहीं आता। मत्या मतिभ्याम मति भी ही, मत्या मतिभ्याम मति भी ही, मत्यई क्या मत्यई क्या बनेगा, मत्यई मतिभ्याम मति व्यह क्या बनेगा, मति व्यह, मत्याह मतिभ्याम और मति व्यह क्या बनेगा, मति व्यह षष्ठी से बनेगा, मत्याह मत्योह मति नाम क्या बनेगा, मति नाम मत्याम क्या बनेगा दोस्तों, मत्याम मत्योह मतिशु क्या बनेगा, मति शु संबोधन क्या बनेगा, हे मते हे मति हे मतयः क्या बनेगा दोस्तों, हे मतयः क्या बनेगा दोस्तों, हे मतयः क्या बनेगा दोस्तों, हे मतयः है ना। इसी प्रकार दोस्तों आपके नदी शब्द का रूप बन जाएगा, किसका बन जाएगा, नदी शब्द का, किसका बन जाएगा, नदी। अब इसमें अंतर क्या दोस्तों, यहाँ पे एक ही मात्रा छोटी थी और यहाँ पे एक ही मात्रा बड़ी है ना, नदी का मतलब नदी होता है। अब इसका रूप कैसे बनेगा, नदी है ना, नद्यौ क्या बनेगा, नदी ही नद्यौ नद्यः क्या बनेगा दोस्तों, न द्यः क्या बन जाएगा, न द्यः क्या बन जाएगा दोस्तों, न द्यः नदी नद्यौ नद्यः है ना। फिर नदी नद्यौ नदी क्या बन जाएगा, नदी क्या बनेगा, नदी नद्यौ नद्यः नदी नद्यौ नदी ही क्या बन जाएगा दोस्तों, नदी ही क्या बन जाएगा दोस्तों, न दी ही क्या बन जाएगा दोस्तों, न दी ही। फिर तृतीय क्या बन जाएगा दोस्तों, नद्या क्या बनेगा दोस्तों, मत्या नद्या सेम नदी भ्याम है ना, नदी भी ही नदी भी ही नदी भी ही। चतुर्थी में मत्यई नद्यई है ना, मत्यई नद्यई सेम रूप बनेगा, यह भी करांत है ये भी करांत है, इसकी तरह रूप बनेगा वही मति व्याम नदी व्याम फिर नदी व्याम यहाँ नदी व्यह नदी व्यह तो वापस नदी व्यह बन जाएगा। अब यहाँ मत्याह नद्याह, अब उसने पूछ लिया सर यहाँ पे द्य क्यों बना, क्योंकि ई और या, ये दोनों मिलकर के दिया बन जाता है, क्या ई और य मिलकर क्या बनता है, दिया, इसलिए यहाँ पे दिया बन जाता है ना, इसलिए बनता है नद्या नदीव्यम नदीव्यः। वापस पंचमी षष्ठी मैंने आपको बोला अकारांत को छोड़कर बाकी स्वरों में लगभग 90 से 9.9 में पंचमी षष्ठी सेम हो जाए, इकारांतो उकारांतो रिकारांतो मकारांतो है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, न द्या क्या बन जाएगा, न द्या और फिर नद्योह क्या बनेगा दोस्तों, न द्योह और यहाँ क्या बनेगा, नदी नाम क्या बनेगा, नदी नाम है ना, यहाँ क्या बना मत्याम तो न द्याम क्या बनेगा, नद्याम नद्योह है ना, नदीशु क्या बनेगा, नदी शु क्या बनेगा दोस्तों, नदी शु। अब यहाँ क्या बनेगा, हे नदी, ई की मात्रा छोटी हो जाएगी, हे नदी हे नद्यौ और हे नद्यः हे नद्यः क्या बन जाएगा दोस्तों, हे नद्यः क्या बनेगा, हे नद्यः क्या बन जाएगा दोस्तों, हे नद्यः क्या बनेगा, हे नद्यः। समझना की बात, एक और बात देख लो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, मोस्ट है, नदी नद्यौ नद्यः नदी
नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः मति का मति तो नदी का नदी है ना नदी नद्या मत्या नदीभ्याम मतिभ्याम है ना नदी भी मति भी है मत्यई नद्यई यानी चाहे स्त्रीलिंग के अंदर कोई भी हो अकारात इकारात उकारात है ना ऐ की मात्रा आएगी किसकी मात्रा आएगी दोस्तों ऐ की तो नद्यई नदीभ्याम नदी भ्यः फिर नद्याः क्या बनेगा नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः नदीभ्यः नद्याः नद्योः नद्योः नदीनाम क्या नदीनाम नद्याम नद्योः नदीसु क्या बनेगा नदीसु हे नदी हे नद्यौ और हे नद्यः हे नद्यः अगला पढ़ेंगे दोस्तों अपन ऋकारांत का किसका पढ़ेंगे दोस्तों ऋकारांत है ना शब्द कौन सा बना मात्री कौन है मात्री तो में किसकी मात्रा ऋ की मात्री कौन हो गया दोस्तों ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना मात्री शब्द क्या देगा ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द अब देखो दोस्तों अपन ने जो भी पढ़ा है पुल्लिंग का पढ़ा एकदम पुल्लिंग की तरह ही चलेगा तो प्रथमा क्या बनेगा माता द्विवचन में मातरौ है ना और बहुवचन में मातरः क्या बनेगा मातरः माता मातरौ मातरः है ना और द्विवचन में पिता का पितर माता का मातरम मातरौ मातरः तो यहां क्या बनेगा मात्री क्या बनेगा मात्री क्योंकि पितृ में तो पितृन बना अभी मैंने कहा ना अगर ऋकारांत अगर पुल्लिंग है तो न आएगा स्त्रीलिंग है तो न नहीं आएगा मात्रा बड़ी हो जाएगी लेकिन न नहीं आएगा है ना तृतीय में पिता पितरा बना तो माता का मात्रा मातृभ्याम और मात्री भी ही मात्री भी ही क्या बनेगा दोस्तों मात्री भी ही और चतुर्थी क्या बनेगा दोस्तों मात्रे पिता का पितरे मात्री का मात्रे मातृभ्याम और मातृभ्यः 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 पंचमी में मातुः पिता का क्या बना था पितुः तो मातृ का मातुः तीनों से बनेंगे मातृभ्याम क्या बनेगा दोस्तों मातृभ्याम और यहां क्या बन जाएगा मातृभ्यः क्योंकि ये चतुर्थी पंचमी में भ्य आते हैं और तृतीय में आता है भी अकारांत को छोड़कर षष्ठी पंचमी षष्ठी एक से बनेगा यहां क्या बन जाएगा मातुहु क्या बन जाएगा मातुहु और यहां क्या बनेगा मात्रोहु क्या बनेगा मात्रोहु और यहां क्या बनेगा मातृणा क्या बनेगा दोस्तों मातृणाम क्या बनेगा मातृणाम और सप्तमी में मातरी पिता का क्या बनेगा पितरी तो माता का मातरी पिता का पितरी माता का मातरी मात्रोः मातृषु क्या बनेगा दोस्तों मातृषु है ना और बहुवचन में हे पिता हे माता हे मातरौ हे मातरौ है ना और हे मातरः हे मातरः समान ही बनता है इनमें कोई अंतर नहीं होता बस यहां चेंज होता है हे मातः हे पितः हे स्वसः स्वश्रियता है ना स्वसः स्वसारौ स्वसारः स्वसारं स्वसारौ
स्वश्री स्वस्रा स्वश्रीभ्याम सुश्रीभिः स्वस्रे स्वश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः स्वसुः स्वसुः है ना। तो ऋकार जितने भी रूप होते हैं है ना, सब नेत्री नेता बने नेता नेतारो नेतार नेतारम नेतारो नेत्री ही है ना, और नेता नेत्रा है ना, अभिनेत्री होता है ना अभिनेत्री अभिनेत्रा, ये सारे इनके समान रूप बनते हैं। तो क्या बनेगा, माता मातरौ मातरः, माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृहि मातृहि, मात्रा मातृभ्याम मातृभ्यः, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातृणाम मातृणाम, मातरी मात्रोः मातृषु मातृषु है ना, हे मातः हे मातरौ हे मातरः हे मातरः हे मातरः। हाँ दोस्तों, अगला अपन चला था, अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग पढ़ लिया, अगला अपन पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द दोस्तों अपन पढ़ेंगे फल शब्द, कौन शब्द फल है ना, फल ल में किसकी महत्व है दोस्तों, अ की है, तो फल कौन हो गया अकारान, कौन हो गया दोस्तों अकारान, नपुंसकलिंग शब्द है ना, अकारान नपुंसकलिंग। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रथमा द्वितीय दोनों सेम होगी, कौन कौन प्रथमा द्वितीय दोनों सेम होगी, बाकी सारा रूप दोस्तों पुरलिंग की तरह चलेगा। अगर वो अकारांत है तो अकारांत पुरलिंग की तरह चलेगा, इकारांत है तो इकारांत पुरलिंग की तरह चलेगा। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, तो क्या बनेगा, फलम फले फलानी, क्या बनेगा दोस्तों फलम फले फलानी। नपुंसकलिंग के अंदर दोस्तों प्रथमा द्वितीय दोनों एक समान चलती है, तो फिर वापस क्या बनेगा, फलम फले फलानी, वापस क्या बनेगा दोस्तों फलम फले फलानी है ना, फलम फले फलानी। अब किसकी तरह रूप चलेगा, पुल्लिंग की तरह चलेगा, मतलब राम की तरह, राम भी अकारांत था तो राम में क्या बना रामेण, लेकिन अब यहां पर क्या बनेगा दोस्तों फलेन, क्या बनेगा फलेन, क्यों यहां पे ना तो र है ना ही री है, री दोनों नहीं है ना, तो क्या बनेगा फलेन फलाभ्याम, राम का क्या बनेगा दोस्तों रामई, तो फल का क्या बनेगा फलई, क्या बनेगा फलई, तो क्या बनेगा फलेन फलाभ्याम फलई है ना। चतुर्थ क्या बनेगा फलाय, राम की तरह राम में क्या बना था रामाय, तो फलाय, ये तीनों सेम बन जाएंगे फलाभ्याम, क्या बनेगा दोस्तों फलाभ्याम, और यहां फलेभ्यः, क्या बनेगा दोस्तों चतुर्थी के बहुवचन में फलेभ्यः रामेभ्यः बालकेभ्यः मित्रेभ्यः है ना। पंचमी क्या बनेगा फलात, क्या बनेगा दोस्तों फलात बनेगा, क्या बनेगा फलात रामात, यहां क्या बनेगा सेम बनेगा फलाभ्याम, तीनों सेम हो गए, और यहां बन जाएगा फलेभ्यः, क्या बनेगा दोस्तों फलेभ्यः, क्या बनेगा फलेभ्यः है ना। और फिर यहां बन जाएगा आपके षष्ठी बनेगा फलस्य, क्या बनेगा दोस्तों फलस्य, राम का क्या बनता है रामस्य, तो फल का फलस्य, यहां बनेगा रामयो फलयो रामयो फलयो रामानाम फलानाम, क्या बनेगा दोस्तों फलानाम, राम का बना रामे फले, क्या बनेगा फले फलयो, क्या बना था फलयो, और यहां बहुवचन में रामेशु फलेशु, क्या बनेगा दोस्तों फलेशु, क्या बनेगा फलेशु, और संबोधन में हे फल
है ना, हे फले और हे फलानी, क्या बन जाएगा दोस्तों, हे फलानी, हे फल, हे फले, हे फलानी, हे फल, हे फले, हे फलानी बन जाएगा ना दोस्तों। अब इस फल की, फल के शब्द की तरह ही दोस्तों आपका शब्द है मित्र, कौन सा शब्द है दोस्तों, मित्र, मित्र भी कौन सा शब्द है दोस्तों, अकारांत पुल्लिंग है, सॉरी नपुंसकलिंग है, मित्र है, पुष्प है, नेत्र है ना, ये सब नपुंसकलिंग है। अब इसकी तरह मैं आपको दो दो के दो दो रूप लिखो है ना, पहले मित्र को देख लो तो क्या बनेगा, मित्रम, मित्रे, मित्राणी, मित्र, मित्रे, मित्राणी बन गया। इस नपुंसकलिंग में प्रथम द्वितीय दोनों सेम होती है, ये चलो इसकी कॉपी हो जाएगी, होगी कॉपी। अगला ले लो पुष्प का, पुष्प में षटकोण ऐसा है तो क्या बनेगा, पुष्पेण, क्या बनेगा दोस्तों, पुष्पेण, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैहि, क्या बनेगा दोस्तों, पुष्पै, क्या बनेगा, पुष्पै। अब उसी प्रकार पुष्पाय, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः, पुष्पेभ्यः बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, पुष्पेभ्यः है ना। अगला नेत्र है तो यहां क्या बनेगा, नेत्रात, नेत्रात, नेत्राभ्याम, नेत्रेभ्यः है ना, नेत्रस्य, क्या बनेगा, नेत्रस्य, नेत्रयोः, नेत्राणाम, क्या बनेगा दोस्तों, नेत्राणाम, नेत्राणाम क्यों बने दोस्तों, क्योंकि त्र में कौन है, त और र है, इसलिए त्र बन गया है ना, र होने के कारण से यहां बन जाएगा नेत्राणाम, क्या बनेगा, नेत्राणाम, यहां बन जाएगा नेत्रे, नेत्रयोः, नेत्रेषु, क्या बन जाएगा, नेत्रेषु है ना दोस्तों। इसी प्रकार जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग है शब्द है ना दोस्तों, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो भी शब्द है वो सारे के सारे शब्द फल की तरह चलेंगे, किसकी तरह चलेंगे, फल की तरह चलेंगे। अगला शब्द पढ़ेंगे दोस्तों अपन मधु, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मधु, मधु कौन है दोस्तों, ध में किसकी मात्रा है, उ की, तो क्या हो जाएगा, उकारांत नपुंसकलिंग, क्या हो जाएगा दोस्तों, उकारांत नपुंसकलिंग, क्या हो जाएगा दोस्तों, उकारांत नपुंसकलिंग। अब इसका रूप कैसे लेगा, मधु, मधुनी, मधुनी, यानी देखो दोस्तों अब नपुंसकलिंग के अंदर आप जितना वर्णों का शुद्ध उच्चारण करोगे उतना ही आपको सहूलियत मिलेगी लिखने की और याद करने की है ना दोस्तों। तो क्या बनता है, मधु, मधुनी, मधुनी, धू, उ की मात्रा बड़ी, यानी प्रथमा के बहुवचन में उ की मात्रा क्या बन जाएगी, बड़ी, मधु, मधुनी, मधुनी। और अभी मैंने कहा था नपुंसकलिंग के अंदर प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम बनती है तो वापस क्या बन जाएगा, मधु, मधुनी, मधुनी है ना। फिर तृतीय के युद्ध क्या बनेगा, मधुना, मधुना, मधुभ्याम, मधु भी, क्या बनेगा दोस्तों, मधु भी। और चतुर्थ क्या बनेगा, मधुने, लता का लत ये है ना, यहां बनेगा मधुने, हरि का हर ये मधु का, मधुने, मधुभ्याम, मधु व्याम, मधु भी बन गया दोस्तों, मधु व्यह, मधु व्यह। चतुर्थ क्या बनेगा दोस्तों, मधु न है ना, हर यह हरे बना था ना है ना, उकार
दृष्टांत है, गुरु क्या बनेगा, गुरु है ना। तो मधु न मधुभ्याम मधुभ्य, वापस क्या देगा यहां पे दोस्तों, मधुभ्य क्या बन जाएगा, मधुभ्य। फिर पंचमी षष्ठी सेम बनती है, मधु न है दोस्तों, मधु नो हो, मधु नो हो, मधु ना, मधु ना क्या बनेगा, मधु ना है दोस्तों। और यहां बन जाएगा आपके मधुनी, क्या बनेगा, मधुनी क्या बन जाएगा दोस्तों, मधुनी, मधुनो, मधुनो, मधुशु क्या बनेगा दोस्तों, मधुशु। और यहां हे मधु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। और यहां बन जाएगा हे मधुनी, हे मधुनी, बस भाई दोस्तों। तो क्या बनेगा, मधु मधुनी मधुनी क्या बनेगा दोस्तों, मधुनी। फिर मधु मधुभ्याम है ना, मधु भी, मधु भी, मधुने मधुभ्याम मधुभ्य है ना, मधु न मधुभ्याम मधुभ्य, क्योंकि एक समान बन रहा ना, इसलिए मैंने इनको बोला नहीं है ना, सीधा मैंने ये बोल दिया, मधु न मधु नो मधु नाम, मधुनी मधुनो मधुशु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, हे मधुनी। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ेंगे दोस्तों अपन वारी शब्द, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वारी, वारी का मतलब होता है दोस्तों जल, जल यानी पानी है ना। रम किसकी मात्र दोस्तों, ई की है, तो क्या बन जाएगा, इकारांत नपुंसक लिंग है ना, इकारांत नपुंसक लिंग शब्द बन जाएगा है ना दोस्तों। तो क्या बनेगा रूप, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी है ना दोस्तों। ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी, वारी वारिणी, वारिणी क्या बन जाएगा दोस्तों, वा वारी, वारिणी, वारिणी। उसी प्रकार दोस्तों क्या बन जाएगा, वारी वारिणी, वारिणी, वा रीनी है दोस्तों। अब तृतीय क्या बन जाएगा, जैसे मधु क्या बना था, मधुना, तो वारी क्या बनेगा, वारीना, वारी भ्याम, वारी भ्याम, वारी भी क्या बनेगा दोस्तों, वारी भी। अब चतुर्थी में मधु क्या बना था, मधुने, तो वारी का क्या बनेगा, वारी ने क्या बनेगा दोस्तों, वारी ने, वारी भ्याम, वारी भ्याम, और वारी व्यह क्या बनेगा दोस्तों, वारी व्यह। पंचमी षष्ठी छह बनेगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, वारी न क्या बनेगा दोस्तों, वारी न, वारी भ्याम क्या बनेगा दोस्तों, वारी भ्याम, और बहुवचन क्या बनेगा, वारी व्यह, वारी व्यह। षष्ठी में पंचमी सेम बनता है दोस्तों, वारी
न, क्या बनेगा दोस्तों? वारी न, षष्ठी के भुजंग में बनेगा दोस्तों वारी नो हो, वारी नो हो, और यहां बन जाएगा षष्ठी के भुजंग में वारी नाम, क्या बनेगा दोस्तों? वारी नाम, ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी और शब्द क्या बनेगा? वारी नी, अब दोनों की मात्रा छोटी हो जाएगा दोस्तों, वारी नी वारी नो हो, मधु का मधु मधुनो बने ना दोस्तों, तो उसी प्रकार से बन जाएगा वारी नो हो, है ना? वारी शु, क्या बनेगा दोस्तों? वारी शु, फिर क्या बनेगा? हे वारी संबोधन में, हे वारी द्विवचन में, हे वारे, हे वारे, और बहुवचन में हे वारिणी, हे वारिणी, क्या बनेगा दोस्तों? हे वारिणी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिहि, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणाम, वारिणी वारिणोः वारिषु, हे वारी हे वारे हे वारिणी हे वारिणी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें, धन्यवाद।